जैसे यहाँ पे ना सभी धर्मों को एक बराबर माना जाता है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये सर्वधर्म संगम है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार, धारणा चौधरी। आपका नाम? शैलेंद्र इंसा जी। कितने सालों से डेरा सच्चा सौदा में जुड़े हुए हैं आप? एक्चुअली मैं 2001 में नाम लिया था और 2007 में जब जामे से शुरू किया था, उस टाइम जामे भी, एक्चुअली मेरा डेट ऑफ बर्थ था 94 का, अराउंड मैं 6 ईयर की थी तब से मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हूँ। ऐसा आपको कौन सा मानवता भलाई कार्य जो दिख रहा है कि जो मुझे समाज में आज भी बताओ और जिससे डेरा सच्चा सौदा की सही चीज़ों को आगे दिखाना है? जैसे यहाँ पे 100 से ज़्यादा मानवता भलाई के कार्य हैं जो अपने आप में एक अलग पहचान बनाए हुए हैं, लेकिन अगर जो मेल समाज में जो फैला हुआ, एक तो है फीमेल इन्फेंटिसाइड, क्योंकि मतलब लड़कियों की जो कन्या भ्रूण हत्या होती है उससे हम समाज को आगे फ्यूचर में देखें तो इसके सारे बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, तो इसको मतलब आगे ज़्यादा लेकर जाना चाहिए। और सेकेंड थिंग है जैसे पंजाब में मोस्टली, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ की बात करूँगी, वहाँ पे जैसे ड्रग एडिक्शन का बहुत ज़्यादा है, जैसे अभी मतलब न्यू ड्रग आ रहे हैं जिसमें कि यंगस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गए हैं, उनको अपने अच्छे बुरे का पता नहीं है। अगर जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं उनको अपने पेरेंट्स का सोसाइटी का कुछ भी नहीं पता होता, वो किसी भी बुरे रास्ते में चले जाते हैं। तो जो पिताजी के मतलब पिताजी एक मिशन पे गए हुए हैं, लेकिन अब जो भी है लोग जैसे भी बोलते हैं, लेकिन पिताजी की मतलब शिक्षा के बदौलत 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सब बुराइयों को छोड़ रखा है और लोगों को भी छोड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। मैम आज 4.5 साल हो चुके हैं गुरु जी को यहाँ से गए हुए, जो पहले सत्संग होता था और जो आज सत्संग हो रहा है, इसमें आपको कितना अंतर देखने को मिल रहा है? अंतर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज भी हमें मतलब पिताजी हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग से आई हैं, या हम लोगों को कुछ भी मतलब मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे पहले वो सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। अगर उनके चमत्कार की बात करें तो पल पल हमको चमत्कार फील होते हैं, क्योंकि अगर दुनिया में सबसे बड़ी बात है हमारी आत्मरक्षा जो पिताजी की बदौलत होती है, और अगर अभी भी आते हैं तो स्टेज पे आगे जाते हैं तो फील ही नहीं होता कि पिताजी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जब वो हमारा दाता है, सदगुरु है, वो हर पल हमारे साथ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जी। मैम आपने कहा कि पिताजी अंग संग हैं और आप बहुत सेफ फील करते हैं, तो मैम जो दुनिया में समाज में दिखाया जा रहा है गुरु जी को लेकर जो उन पे आरोप लगाए गए थे, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए अगर कोई भी जैसे मतलब अगर हम हिंदू गुरुओं की बात करें या सिख गुरुओं की बात करें, जितने भी गुरु हैं उनको अपने टाइम में मतलब बहुत सारी जो समाज की मुश्किलों को फेस करना पड़ता है, अगर कोई मतलब अगर गुरु को किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े तो फिर वो गुरु भी कैसा हो। जैसे अभी पिताजी के साथ जो कुछ भी हुआ, वो एक बोल सकते हैं कि वो साजिश है या कुछ भी है, क्योंकि जब हमारे दुनिया में इतना देश में इतना ड्रग माफिया फैला हुआ है तो उनको भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील होती है कि अगर मतलब ये संत बाहर आ गए या मतलब अगर समाज इतना ही सुधरता रहा तो फिर उन लोगों का काम धंधा बंद हो जाएगा। मैम आपने कहा कि काफ़ी उन्होंने मानवता भलाई कार्य किए हैं जो कि समाज को सही दिशा निर्देश दे रहे हैं, सही रास्ता दिखाने के लिए, और आज तक संसार में जितने भी संत आए हैं, गुरु आए हैं, उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हैं, तो मैम यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा में किस तरीके की धार्मिक शिक्षा दी जाती है? अगर बात करें जैसे यहाँ पे ना सभी धर्मों को एक बराबर माना जाता है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये सर्वधर्म संगम है, तो यहाँ पे किसी भी धर्म को ऊंचा नीचा नहीं समझा जाता, हम लोग किसी भी धर्म की बुराई नहीं करते, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे अगर हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का, सिख धर्म का कोई भी पर्सन आए तो उससे डिस्क्रिमिनेशन ही होता है, यहाँ पे भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है, सभी को एक निगाह से देखा जाता है, एक जैसा ट्रीट किया जाता है और सभी की पूरी रिस्पेक्ट की जाती है। मैम आज आपने कहा कि यहाँ पे सभी को एक समान रखा जाता है, सभी को एक ही शिक्षा दी जाती है, खासकर एक इंसानियत की शिक्षा दी जाती है, सबसे पहले इंसानियत है उसके बाद में बाकी धर्मों के बारे में है, लेकिन गुरु जी ने सभी को सब चीज़ अच्छी तरीके से बताते हुए भी आज जो गुरु जी पे आरोप लगाए गए हैं, जो लांछन टिप्पणियाँ की गई हैं धार्मिक चीज़ों पर लेकर गुरु जी के ऊपर, तो इस चीज़ को लेकर आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हमारे समाज में कोई भी हमारे समाज को सही दिशा में लेकर जाता है कि डेरा सच्चा सौदा में मतलब दुनिया वालों के कहने की बातें, हम लोग इतने सालों से जुड़े हुए हैं, हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी लड़की किसी जगह पे सुरक्षित नहीं होगी तो उसके पेरेंट्स उसको वहाँ पे जाने की कभी भी परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि इतना तो हम लोग हमको पता ही है, और वैसे भी यहाँ पे जितना हम लोग सीखने को मिला वहाँ पे दुनिया में शायद किसी भी जगह पे नहीं। मैम यहाँ जो आज इतनी संगत पहुँची हुई है, काफी
जगहों से पहुंचे, काफी दूर दूर से संगत आ रही है। आज यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से संगत यहाँ पे पहुंची हुई है? एक्चुअली आज ना यहाँ पे डेरा का स्थापना दिवस है, क्योंकि 1948 में जब डेरा सच्चा सौदा की शुरुआत की थी श्याम अस्ताना जी महाराज ने, उसके बाद ये आज का दिन है जो जामे अहिंसा दिवस भी है, क्योंकि इसी दिन पिताजी ने जामे अहिंसा की शुरुआत की थी। तो ये दिन बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है, मतलब लोगों के में अलग से एक्साइटमेंट होती है। और जैसे जब पिताजी थे तो इस दिन होली जो सेलिब्रेट होती थी तब हम लोग बहुत इंजॉय करते थे, लेकिन आज वो मोमेंट मिस करते हैं। लेकिन फिर भी जी मैम, आप कह रहे हैं कि गुरु जी ने काफ़ी मतलब यहाँ पे जो भी इंसानियत के मानवता भलाई कार्य किए हैं, आपको मतलब ऐसा कौन सा मानवता भलाई कार्य जो दिखता है कि मुझे समाज में बताना चाहिए? आज गुरु जी वहाँ पे बैठे हुए हैं, 4.5 साल हो चुका है गुरु जी को यहाँ से गए हुए, लेकिन फिर भी मतलब तो ऐसा करना मतलब कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने भी धर्म गुरुओं के साथ बुरा किया तो उनको आगे उनकी पीढ़ियों तक को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे मेरी सरकार से यही अपील है कि लाइक जो मतलब डेरे की जो भी मतलब जांच है वो अच्छी तरह से की जाए, जैसे कि सब कुछ क्लियर कट हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी सीट वगैरह बहुत सारी जाँचें हुई है जिसमें मतलब डेरा निर्दोष पाया गया, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। जैसे अगर हम लोग बात करें कि जो पिताजी बलात्कार का केस लगाया गया रेप, तो उसमें पिताजी अंदर गए हैं, क्या वो आज तक लड़कियां किसी ने देखी है? किसी ने भी नहीं। क्या उनकी स्टेटमेंट दिखाई गई है? नहीं ना। तो जैसे हमारे देश में दिन में पता नहीं कितने रेप होते हैं, तो लाइक सब कुछ मेडिकल क्लियर होता है, आरोपी बिल्कुल शरियाम मान चुका होता है, तो फिर भी लेकिन जो उनको बचाने वाले होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, वो सबको उनको सुरक्षित कर लेते हैं। लेकिन जब धर्मगुरुओं की बात आती है, हम लोग 6 करोड़ लोग बोल रहे हैं कि हमारे पिताजी सच्चे हैं, सच्चे थे, सच्चे रहेंगे, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर कोई गलत जगह होती है तो कोई क्यों जाएगा? तो मतलब अगर मतलब डेरा इतना बुरा था तो जो सरकार की बात करें तो जब यहाँ पे वोटों का चक्कर पड़ता है फिर वो यहाँ पे क्या लेने आते थे? धन्यवाद मैम आपका। तो जैसे कि आपने देखा, सरकार से अपील इसी तरीके से जनता कर रही है कि जब यहाँ पर सच्चाई को दिखाना है तो आप सामने कुछ नहीं दिखा रहे हो, और जो चीज़ है वो उनको समाज के सामने नहीं ले आ रहे हो। तो यही कहना है सभी समाज में, जनता यही अपील कर रही है कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह की हिंसा के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, और जनता की आवाज़ को सुनते हुए द फैक्ट टाइम में आप जुड़े रहिए। धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.